नई संसद के अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद से ही विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या वाकई अशोक स्तंभ में बदलाव हुआ है? इस विशाल स्तंभ की प्रतिमा को डिजाइन किया है सुनील देवड़े ने और लक्ष्मण व्यास ने। देवड़े का स्तंभ को लेकर क्या कहना है और सुनील देवड़े और लक्ष्मण व्यास हैं कौन, इनके बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। कैसे उन्होंने इस प्रतिमा को तैयार किया, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक पर सवाल उठाने वाले एक तरफ, तो उसकी तारीफ करने वालों की भी कमी नहीं है। अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस खूबसूरत प्रतिमा को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सुनील देवड़े और जयपुर के लक्ष्मण व्यास ने तैयार किया है। पहले जानते हैं सुनील देवड़े के बारे में। राष्ट्रीय प्रतिमा को बनाने वाले सुनील देवड़े 49 वर्षीय मूर्तिकार हैं। सुनील देवड़े जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से गोल्ड मेडल की उपाधि ले चुके हैं। उनके पिता ने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। अशोक स्तंभ के अलावा सुनील देवड़े ने अजंता एलोरा विजिटर सेंटर में अजंता एलोरा गुफाओं की रेप्लिकाएं भी बनाई थी, जिसका मूल्य करीब 125 करोड़ रुपए बताया जाता है। इस रेप्लिकाओं को बनाने के पीछे का मकसद मूल अजंता एलोरा गुफाओं पर से दबाव कम करना था। सुनील देवड़े का अशोक स्तंभ को लेकर ये कहना है कि बहुमूल्य कार्य करने के लिए पूरे देश से मुझे चुना गया, इससे बड़े सम्मान की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि ये प्रेरणा मुझे अपने पिता से मिली है, जो खुद पुरातत्व विभाग के रिस्टोरेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। देवड़े ने अशोक स्तंभ बनाने के पीछे की कहानी को बताते हुए कहा कि अशोक स्तंभ को बनाने के लिए हमें टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का साथ मिला। टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको लेकर एक सर्वे भी किया था। सर्वे में उन्होंने मेरे अनुभवों के आधार पर मेरा चयन किया। मूर्तिकार सुनील देवड़े का कहना है कि उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक का क्ले बनाने में लगभग 5 महीने लग गए। इसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से संबंधित एक्सपर्ट्स ने इसका मूल्यांकन किया, जिसके बाद आगे के लिए इसे पास किया गया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर पास हो जाने के बाद मैंने इस स्तंभ का फाइबर मॉडल बनाया और इस मॉडल को लेकर मैं जयपुर गया, जहां इसे कांस्य से कास्ट किया गया। सवाल यह है कि प्रतिमा में कोई बदलाव है या नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति और मूल संरचना के बीच कुछ मामूली अंतर हो सकता है, जो कि कांस्य से बनी हुई है, जिसका वजन 9.5 टन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक के चरित्र में कोई बदलाव नहीं है। तो ये थी सुनील देवड़े की बात। अब बात करते हैं लक्ष्मण व्यास की, जिन्होंने इसे कांस्य के विशालकाय मूर्ति के रूप में तब्दील किया। लक्ष्मण व्यास मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर के रहने वाले हैं। लक्ष्मण व्यास देश विदेश में 300 से ज्यादा नामी प्रतिमाएं बना चुके हैं। लक्ष्मण राजस्थान विश्वविद्यालय से मूर्ति कला में डिग्री हासिल कर चुके हैं। बात चाहे दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाई गई हाथी की प्रतिमाओं की हो या बाघा बॉर्डर पर श्याम सिंह अटारी की। इनके अलावा इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत कई नामी हस्तियों की प्रतिमाएं भी लक्ष्मण व्यास ने ही बनाई हैं। मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास का दावा है कि यह देश का सबसे बड़ा अशोक स्तंभ है। यह अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा और 16,000 किलोग्राम का है। यह उच्च शुद्धता वाले कांस्य से बना है। अशोक स्तंभ को सहारा देने के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम का स्टील का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सामग्री और शिल्प कौशल के दृष्टिकोण से भारत में कहीं और प्रतीक का इस प्रकार से चित्रण नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ने अनावरण के दौरान भी मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास से बात भी की थी। स्तंभ को मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास के निर्देशन में जयपुर के स्टूडियो शिल्पिक में 40 कारीगरों ने तैयार किया था। इसे बनाने में 5 महीने का वक्त लगा। अशोक स्तंभ सारनाथ में राजा अशोक के बनवाए स्तंभ का ही प्रतिरूप है। इसमें 4 शेर वृत्ताकार रूप में एक साथ खड़े हैं। इन शेरों के साथ एक हाथी और एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक धर्मचक्र भी है। इस स्तंभ के कुल 150 टुकड़े हैं, जिन्हें गैस वेल्डिंग और आर्गन तकनीक से जोड़ा गया है। अलग अलग टुकड़ों में तैयार करके इसे दिल्ली लाया गया और फिर इसे स्थापित किया गया। तो ये थी सुनील देवड़ा और लक्ष्मण व्यास के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अशोक स्तंभ को लेकर आपकी क्या राय है ये भी बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।